भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर हिमाचल की जनता को धोखा दिया। लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करना अच्छा नहीं होता। जनता खड़ी हुई, बच्चे खड़े हुए, युवा खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या चीज पर आन पड़ गई थी कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन ना करके मूक बनकर देखते रहे। ये इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल की जनता तो संवेदनशील है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति की इसके लिए संवेदनशील नहीं थी। सबने समय समय पर हमें सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन राज्य की इस इकाई के इस व्यवहार से पूरा हिमाचल प्रदेश हतप्रद रह गया है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन हमने प्रयास किया और आज ही 254,00,000 रुपया हिमाचल सरकार के आपदा राहत कोष में आ चुका है। आप जानते हैं कि 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में आपदा ने अपना कहर बरपाना शुरू किया और निश्चित तौर पर यह हिमाचल के इतिहास की एक ऐसी आपदा थी और ऐसा तबाही का मंजर जो हम इस जीवन काल में अपने पहुंच चुके हैं, हमने कभी ऐसी तबाही और का मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सरकार ने और अधिकारियों ने प्रयास किए और हिमाचल की जनता, पत्रकार बंधु, सभी लोगों ने प्रयास किए और हमने इस आपदा को जो एक बड़ी चुनौती थी लड़ाई की तरह ना लड़कर युद्ध की तरह लड़ा। अभी हम एक आपदा से उबर भी नहीं पाए थे कि 13 अगस्त को एक और आपदा हिमाचल प्रदेश पर आई। सब लोगों ने साथ दिया और सब लोगों ने साथ देने के बावजूद हिमाचल के जनता, हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के युवा, जो भी जिसका क्षमता बनती थी उसने भरपूर योगदान इस आपदा में हमें दिया। विधानसभा 70 में हमारे विधायक दल ने फैसला किया कि हम केंद्र सरकार से एक मांग करें कि हम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाएं और स्पेशल पैकेज रिलीफ का हमें मिले। तकरीबन 3 दिन तक बहस चली, सब लोगों ने अपने पक्ष रखे और सब लोगों के अपने पक्ष रखने के बावजूद जब वक्त आया कि इस प्रस्ताव पर हमें कम से कम सहमति बनानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर हिमाचल की जनता को धोखा दिया। महज प्रस्ताव भावनाएं प्रकट करने का था, प्रस्ताव से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलना ना मिलना वो भारत सरकार पर निर्भर करता था। लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करना अच्छा नहीं होता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विश्व बैंक के इंडिया के अध्यक्ष का, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपदा के समय हिमाचल सरकार का हौसला अफजाई करते रहे और हर बात को समर्थन करते रहे और योगदान भी करते रहे। सवाल ये पैदा हुआ कि हम लोग राजनीति में हैं तो जब प्रदेश की जनता और आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने की बात आई, जनता खड़ी हुई, बच्चे खड़े हुए, युवा खड़े हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या चीज पर आन पड़ गई थी कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन ना करके मूक बनकर देखते रहे। मैं इस राजनीतिक बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि महज राजनीति राजनीति के लिए नहीं होती है, चुनाव जब होंगे तो उसमें मुद्दे कुछ और होते हैं। लेकिन इस दृष्टिकोण से मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़ी हुई, उन प्यारे बच्चों का
जिन्होंने अपने गुल्लक तोड़कर इस आपदा में 5 साल 10 साल की कमाई गुल्लक में, जितने पैसे उसके माँ बाप देते थे, एक हमारी प्रथा है, परंपरा है, उस गुल्लक में डालकर हिमाचल की आपदा राहत कोष में दान की। उन युवा साथियों का और कई छात्र संगठन आए, एबीपी के छात्र संगठन के लोग भी आए जिन्होंने हमें इस पर योगदान दिया। कई प्रकार के लोग इसमें आए, कई हमारे पेंशन भोगी लोग आए जिन्होंने इसमें योगदान दिया, और जो भी बनता था सब लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज हम ये योगदान 200 करोड़ रुपया पार कर चुके हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हिमाचल की जनता तो संवेदनशील है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति की इसके लिए संवेदनशील नहीं थी। मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है, सबने समय समय पर हमें सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन राज्य की इस इकाई के इस व्यवहार से पूरा हिमाचल प्रदेश हतप्रद रह गया है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। लेकिन हमने प्रयास किया और आज ही 254 लाख रुपया हिमाचल सरकार के आपदा राहत कोष में आ चुका है।